हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में MT HR की पोस्ट आई है और MT मैकेनिकल की पोस्ट आई है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि मिनी रत्न कैटेगरी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। MT मैकेनिकल की देखिए 9 सीट्स है और MT HR की 3 सीट्स है। अब यहाँ पे ये नहीं बोलना आपको कि 3 ही तो सीट्स है। जो कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें HR की वैकेंसी रेगुलर यहाँ पे अपडेट मिलती रहती है HR से रिलेटेड, तो उन्होंने भी देखा होगा कि सीट्स बहुत कम ही आती है HR पोस्ट के लिए। अगर आप PSU में जाना चाहते हैं HR डिपार्टमेंट में, तो आपको इन्हीं पोस्ट के अगेंस्ट फिल करना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि 3 सीट्स है, 4 सीट्स है, इसमें क्या सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं। आपको इन्हीं के अगेंस्ट फिल करना है और इसी के लिए आपको प्रिपरेशन भी करनी है। तो देखिए, MT HR की 3 पोस्ट है। जो स्केल ऑफ पे है वो 40,000 to 1,40,000 है, राइट? और अप्रॉक्स CTC भी इन्होंने MTs के लिए बता दिए, जिनका Grade 2 में होगा 10.5 to 2 lakhs। अब इससे रिलेटेड जो ज़रूरी बातें हैं, सबसे पहले ही यहाँ पे बता दिया गया है कि अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, कोई भी हार्ड कॉपीज नहीं भेजनी है। स्पेशली फॉर MT HR में यहाँ पे बात करूँगी एंड MT मैकेनिकल में बताऊँगी। तो जो MT पोस्ट की वैकेंसी है, उनको हार्ड कॉपीज कहीं सेंड नहीं करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। डेट क्या है, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, तो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है @14 hours, मतलब 2 बजे, और कब क्लोज होने वाला है, 19 जुलाई 2021 @11 hours, ठीक है? तो आपको लास्ट डे का इंतज़ार नहीं करना है, 19 जुलाई लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपको, अगर आप एलिजिबल है, तो फॉर्म फिल कर लीजिए। अब देखिए, MT के पोस्ट के लिए जो एज क्राइटेरिया है, अपर एज लिमिट है, वो जनरल और EWS के लिए 27 है, OBC 30 ईयर्स, SC 32 एंड ST इज 32, ठीक है? मतलब यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो एज का भी मैंने यहाँ पे बता दिया जो, और रेकनिंग डेट है 18 मई 2021, इस डेट तक के इस एज में होने चाहिए आप, राइट? 18 मई 2021 इज रेकनिंग डेट। नेक्स्ट हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो MT मैकेनिकल के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए। फर्स्ट क्लास मतलब क्या होता है, 60% एंड अबव इज द फर्स्ट क्लास, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन द डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल, या फिर कोई इक्विवेलेंट कोर्स है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे निल है, एक्सपीरियंस नहीं मांगना है, मांग रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे MT HR के लिए। तो MT HR के लिए भी क्या है, फर्स्ट क्लास, इट मीन्स 60% एंड अबव, एटलीस्ट 60% होना चाहिए इन MBA और इक्विवेलेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन HR, PM एंड IR, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल साइंस, सोशल वेलफेयर और सोशल वर्क ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट? अब फर्स्ट क्लास जो है, बता दिया 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर अनरिजर्व्ड OBC NCL EWS कैंडिडेट्स। फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट 55% मार्क्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सबसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट होता है, जो कैंडिडेट अपियरिंग है या फिर फाइनल ईयर एग्जाम उन्होंने दे रखा है इस साल, वो भी एलिजिबल है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं MT पोस्ट के लिए, ठीक है? बस कंडीशन ये है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उनका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, इट मीन्स उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। अब मैकेनिकल के लिए यहाँ बता देती हूँ कि कौन कौन से जो है स्पेशलाइजेशन या डिसिप्लिन जो कंसीडर्ड होंगे मैकेनिकल MT मैकेनिकल पोस्ट के लिए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, टूल इंजीनियरिंग, यह पढ़ लीजिए, यहाँ पे सारा कुछ दिया है। इट दिस ऑल विल बी इंक्लूडेड फॉर दिस MT मैकेनिकल डिसिप्लिन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी का सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे जनरल मैनेजर और डिप्टी मैनेजर का जो पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर, इनका तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, बट हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए पहले रिटन टेस्ट होगा, जो CBT होगा, इट मीन्स ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है? अब CBT का क्या इनका फॉर्मेट रहेगा, तो 2 घंटे का रहेगा,
150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चंस तो आपके सब्जेक्ट डिसिप्लिन का होगा पार्ट वन में, और पार्ट टू में 50 एमसीक्यूज होंगे जनरल एप्टीट्यूड के। वेटेज क्या रहेगा, सीबीटी का 85% एंड इंटरव्यू का 15%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बताया है सीबीटी का 60% है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 50% जो है एससी एसटी ओबीसी के लिए और पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 60% लाएंगे और वो श्योर है कि आपको इंटरव्यू में बुला लेंगे, ऐसा नहीं है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपका जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है वो कट ऑफ पे भी जाता है, तो जितना मैक्सिमम हो सके उतने मार्क्स आपको सिक्योर करना है। नेक्स्ट इज टेस्ट सेंटर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम एंड सिटीज़ में ऐड और डिलीट सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव। तो फिलहाल इन्होंने सेंटर बता रखा है चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम होगा। इसके अलावा भी अगर वो चाहे तो सिटीज़ ऐड और डिलीट कर सकते हैं। पे एंड पर्क्स भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो पीएसयूज का होता है वही है यहाँ पे भी एमटी के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी इन्होंने बता रखा है। एप्लीकेशन फी है 500 रुपीज, किसके लिए, तो यूआर कैंडिडेट्स के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी के लिए है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी और एक्स सर्विसमैन इंटरनल एम्प्लॉयज अगर अप्लाई करते तो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, किसी भी पीएसयू में या कहीं पे भी आप अप्लाई करते तो रिफंडेबल नहीं होता है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिल करिए और एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा आपको, ठीक है। अब कुछ जनरल कंडीशन है कि अगर ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी ओबीसी सर्टिफिकेट का इन्होंने कंडीशन दिया है कि इट शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 18 दिसंबर 2020 के बाद का ही डेट होना चाहिए इशू डेट, ठीक है। ऑन और आफ्टर 18 तारीख है उसके आगे की डेट, मतलब इनको लेटेस्ट 6 मंथ्स का ही चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर प्राइवेट जॉब में है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है जो आपको पढ़ लेना है। इसकी साइट कौन सी है तो ये भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे रखा है जो इंटरव्यू के टाइम में लगेगा या फॉर्म फिलिंग के टाइम में आपको उसके डिटेल्स फिल करने होंगे। अब यहाँ पे बहुत ही बड़े इसमें बोल्ड में उन्होंने नोट में दे रखा है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप रखना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप फिल करेंगे उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंटरव्यू के टाइम पर लगेगा। डेट अब बता दिया है 4 जुलाई से 19 जुलाई। एप्लीकेशन कहाँ जाके फिल करना है तो http://bdlindia.in ये वाली वेबसाइट है, इस पे जाके आपको एप्लीकेशन फिल करना है। इम्पॉर्टेंट डेट्स याद है, और यहाँ जो लास्ट डेट दिया है रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी आपके लिए नहीं है, एम्प्टी पोस्ट के लिए नहीं है, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है। वेबसाइट याद रखिए, इस वेबसाइट पे विजिट करिए और कोई भी क्वेरी होती है, ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप इनको hrcorpcareers@bdlindia.in पे ईमेल करके पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है, बट फॉर्म भरने से पहले मैं आपको फिर एक बार बोलूँगी कि आप अच्छे से एडवर्टाइजमेंट पढ़िए, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए, उसमें एज आ गया, आपकी क्वालिफिकेशन आ गई है, राइट, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपके पास होना चाहिए और फिर आप फॉर्म फिल करिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप पीएसयू एचआर की तैयारी कर रहे हैं या पेपर कोड 55 यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों ही अवेलेबल है। तो ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्सेज पे विजिट कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।